और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। अवशेष में कई मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल जो काफी प्राचीन बताए जा रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एसएसएफ की 2 बटालियन अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या पहुंचने पर इनका स्वागत किया गया। 280 एसएसएफ के जवानों का ग्रुप पहले चरण में रामलला की सुरक्षा में होगा तैनात। लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले यूपी विधानसभा क्षेत्र में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। विधानसभा भवन की छत पर आतंकी हमले से सुरक्षा के तहत ये मॉक ड्रिल की गई है। साथ ही आतंकी हमले या फिर किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई। राजधानी लखनऊ को दहलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सख्त कार्रवाई की। एनआईए ने संदिग्ध आतंकी मिन्हाज अहमद के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। इस कार्रवाई के दौरान एनआईए और जिला मजिस्ट्रेट की टीम मौजूद थी। आपको बता दें, मिन्हाज को प्रेशर कुकर बम के साथ 11 जुलाई 2021 को पकड़ा गया था। उसके घर से भी कई अन्य दस्तावेज बरामद। गोरखपुर में रेलवे दफ्तर में सीबीआई की रेड से हड़कंप मच गया। सीबीआई ने एनी रेलवे गोरखपुर में तैनात प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर केसी जोशी को 5 लाख की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जेम पोर्टल के जरिए रेलवे का टेंडर हासिल करने वाली फर्म के मालिक ने रिश्वत मांगने की भी शिकायत यहां पर की थी। नोएडा में एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें की एक चोर एक महिला से उसका मोबाइल छीनकर महज 4 सेकंड में फरार हो जाता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल है। पुलिस इस आरोपी की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना सेक्टर 34 में घटी और एक बदमाश ने रास्ते में जा रही महिला से मोबाइल की लूट की। कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गोंडा श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीतापुरी बाराबंकी लखनऊ हरदोई बस्ती सिद्धार्थनगर बलरामपुर में भी भारी बारिश के आसार।